गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालियै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान निमिता जाह्नवी और अंजुम प्रभु के निवास स्थान पे रविवार के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता भगवान की वाणी जिसमें मानव मात्र को मर्यादा से रहकर और आत्मा के उद्धार के लिए भगवान से संबंध स्थापित करने का जो संदेश है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। भगवद गीता क्या है? हम लोग ये आगे आ जाइए, साजी से पीछे कर लीजिए थोड़ा आगे ताकि यहां जगह रह जाए, कोई पीछे आए तो बैठ सके। ब्रह्म विद्या भगवद गीता क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब द साइंस ऑफ सोल। आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, वो जो आप पढ़ रहे हैं वो जो एजुकेशन है वो ब्रह्म विद्या नहीं है, वो जड़ विद्या है। जड़ विद्या मीन्स मटेरियल एजुकेशन। वो डील करती है सिर्फ आपकी बॉडी से कि बॉडी को मेंटेन कैसे करना है, बॉडी को चलाना कैसे है, कमाना कैसे है, लेकिन बॉडी किसके आधार के ऊपर चल रही है? सोल के आधार के ऊपर चल रही है, आत्मा के आधार। तो आत्मा की विद्या कहां है? इतनी गैप खाली क्यों भाई? पीछे आएंगे तो उनके लिए जगह हो ना, आप अभी यहां फिल कर दो यहां तक, पीछे वालों को पीछे परेशान नहीं होगी ना। ठीक है, तो आप समझिए कि ब्रह्म विद्या क्या है। जो आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी एजुकेशन, वो अंगूठे की सोने की अंगूठे के समान है, लेकिन उसमें अगर ब्रह्म विद्या को जोड़ देंगे तो सोने की अंगूठी में हीरा लग जाएगा, आपकी अंगूठी भी बहुत सुंदर हो जाएगी और हीरा भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों एजुकेशन की जरूरत है, जीवन में बैलेंस की जरूरत है। ब्रह्म विद्या भी चाहिए और जड़ विद्या भी चाहिए। जड़ मीन्स मटीरियल।
तो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि हम दो चीज के बने हैं, हम आत्मा है और हमारे को ये शरीर है। तो हमारे को एक तो विद्या है, एक तो हमारे को नॉलेज है, एक ज्ञान है, दूसरा नहीं है, तो ये अधूरा जीवन है। तो भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, और दूसरा वर्ड भगवत गीता के लिए है योग शास्त्र। तो भगवत गीता शास्त्र है। पहले शास्त्र की माना क्या होती है? डिसिप्लिन में रखना। जैसे एक हिंदी का वर्ड है शासन, मींस गवर्नेंस या गवर्नमेंट, जो सबको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उसको कहते हैं शासन। और जो सिपाही होता है उसके हाथ में हाथ जो होता है उसको कहते हैं शस्त्र। शस्त्र का मतलब हथियार, वेपन, वो काय के लिए होता है? टू कीप डिसिप्लिन। और जो जो गुरु क्या है, गुरु का शिष्य होता है उसको कहते हैं शिष्य। उसको उकाय, शिष्य का मतलब क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसाइपल। उसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन में रखा जाए। तो शास्त्र, शस्त्र, शासन, शिष्य, सबका एक ही अर्थ है, डिसिप्लिन में रहना। तो शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मीन्स टू कीप अस इन डिसिप्लिन। जैसे जैसे गवर्नमेंट का एक लॉ होता है, उससे अबाइड होना है हमको, ऐसे भगवान का एक लॉ होता है, उसको शास्त्र कहते हैं। तो अब देखिए, दो एजुकेशन आप समझ गए अभी, आज दो एजुकेशन का पता लग गया, एक तो स्पिरिचुअल एजुकेशन पर्टेनिंग टू द सोल और एक मटेरियल एजुकेशन पर्टेनिंग टू द बॉडी। ऐसे ही शास्त्र जो है वो लॉ ऑफ गॉड है, और ऐसे गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो लॉ ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट का लॉ है आपकी बॉडी से, इज अप्लाई टू योर बॉडी, और जो 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 लॉ ऑफ गॉड है दैट अप्लाई टू द सोल। अब तो ये दो चीजें हो गई। तो भगवत गीता की जो ये शिक्षा है, जो ये एजुकेशन है, आप क्या लगते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, जीवन को बैलेंस करने के लिए? जस्ट अब मेडिटेट कीजिए कि जरूरत है कि नहीं है इसको, फिर भी इसको लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। पहले तो जानते नहीं है, फिर ज्यादा जानते की बात दूसरी बात है। तो एक श्लोक में भगवत गीता का पढ़ रहा हूं, ये बात सत्य है, भगवान के वचन है, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। और ये अध्याय जो है उस अध्याय का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब भगवत ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान। अच्छा, मैं शास्त्र के साथ एक और शब्द बोलना था, एक और अक्ष वर्ड बोलना था, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। तो कौन सा शास्त्र है भगवत गीता, कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र का मतलब दी डिसिप्लिन विच एनेबल अस टू कनेक्ट विथ गॉड। योग शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर विच एनेबल अस टू कनेक्ट विथ गॉड, वो डिसिप्लिन जो हमारा संबंध भगवान से जोड़े, उसको कहते हैं योग। तो भगवत गीता को योग शास्त्र कहते हैं, इट इज अ योग शास्त्र। अब मैं श्लोक पढ़ने जा रहा था, लेकिन श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि योग जो वर्ड है जिसको योग कहते हैं, इसका मतलब है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विथ गॉड, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। अब मानो कि ये बिल्डिंग 4-story बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, हा? तो ग्राउंड फ्लोर में जो खड़ा है उसको टॉप फ्लोर तक जाने के लिए जो सीढ़ी है उसको टेक्निकली कहेंगे योग है। सीढ़ी है योग, जो हमको ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक ले जाती है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, आजकल सब बिल्डिंग में आप देख रहे हैं ग्राउंड से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है, दोनों एक ही काम करते हैं और बीच में भी खड़ी हो सकती हैं। तो आपने भगवत गीता में कुछ नाम सुने हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये नाम है सारे। इन नामों के अलावा भी आपने भगवत गीता में सुना है कर्म,
कर्म और कर्म योग अलग चीज है, एक और दोनों के बीच में और एक शब्द है कर्म कांड। तो कर्म, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो पहले तो दो शब्द हैं कर्म, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म का मतलब आप काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और गलत काम करोगे तो दुख मिलेगा। तो इसका मतलब दुख मिलेगा तो भोगना ही पड़ेगा ना, तो ये कोई हमारा गोल नहीं है कर्म। कर्म है शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर को चलाने के लिए। कर्म काय के लिए जरूरी है, शरीर को चलाने के लिए, लेकिन कर्म हमारा गोल नहीं है। अच्छा कर्म कांड क्या है? मंदिरों में पूजा, लोग मंदिरों में जाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, क्यों? कुछ फल मिले, कुछ हमें लाभ मिले, इसको कहते हैं कर्म कांड। चाहे इस दुनिया का लाभ मांगे या स्वर्ग में जाने की इच्छा करें, तो यह भी कर्म कांड हो गया। तो जितनी पूजाएं दुनिया में हो रही हैं मजहबों में, उन सब का ऑलमोस्ट गोल स्वर्ग है। सभी लोग हेवन में जाना चाहते हैं। अरे आप बताइए हेवन में जाएंगे क्यों? बोला वहां एंजॉयमेंट ज्यादा है। तो यह गोल एंजॉयमेंट तो नहीं है हमारा, गोल एंजॉयमेंट नहीं है। और सभी एंजॉयमेंट को और ज्यादा एंजॉयमेंट को जिसको कहते हैं एडवांस एंजॉयमेंट चाहिए ज्यादा, और तो ये गोल नहीं है हमारा। गोल भगवान से जुड़ना है, एंजॉयमेंट हमारा गोल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये सब कर्म कांड है प्राय, ये सारा ही जितना धर्मों के अंदर सुपरफिशियली जो मिल रहा है ये कर्म कांड है। इन दोनों का जिक्र, इन दोनों का कहा वर्णन गीता के अंदर नहीं है, नाम मात्र है, लेकिन यह गीता का उद्देश्य नहीं है। गीता शुरू होती है कर्म योग से, और योग जब जो जब जब वर्ड योग आता है ना शब्द, तो इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका कनेक्शन भगवान से है। वर्क कनेक्टेड विद गॉड। और कर्म योग भी दो प्रकार का है, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब आप कर्म करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा, उसमें से कुछ फल आप अपने लिए रखेंगे, भोगेंगे, और कुछ फल से सेवा करेंगे, भगवान की नाम में कुछ सेवा करेंगे, दान करेंगे, चलो मंदिर बनाएंगे, पुस्तक छापेंगे, धर्मशालाएं खुलाएंगे, भूखों को रोटी खिलाएंगे, कुछ भी करो, लेकिन भगवान से संबंधित होगा धार्मिक। सिर्फ सोशल वर्क नहीं, मस्ट बी कनेक्टेड विद गॉड। दूसरा है निष्काम कर्म योग। तो गीता में जो गोल है टू स्टार्ट और टू बिगिन विथ निष्काम कर्म योग, लेकिन मैं बात कहने वाला यह था, योग सीढ़ी का नाम है, सारी सीढ़ी का नाम योग है। कोई आदमी अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है तो कहा जाएगा कर्म योग में, कर्म योग में लगा हुआ है। कोई आदमी सेकंड फ्लोर में है तो कहेंगे ज्ञान योग में लगा हुआ है। कोई आदमी थर्ड फ्लोर में है तो कहेंगे ध्यान योगी है, और कोई टॉप फ्लोर पे है तो कहेंगे भक्ति योगी। तो बेसिकली योग सीढ़ी का नाम है, और ये सब उसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स हैं। तो प्रैक्टिशनर कौन सा कौन सी लेवल पे है, तो कल्मिनेशन सीढ़ी का कहां है? टॉप पे है। तो जो भक्ति है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लिफ्ट से जाओ, जरूरी नहीं है कि आप सीढ़ी से जाओ। आप लिफ्ट में नीचे से सीधे ऊपर जा सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप बीच में ज्ञान का रास्ता ले लो या ध्यान का रास्ता ले लो या कि नहीं, नहीं जरूरत नहीं है, आप सीधा भक्ति कर सकते हो। तो बेसिकली ये कृष्ण भावना अमृत संघ जो इस्कान का मुख्य उद्देश्य है, लोगों को लिफ्ट के जरिए सीधा भगवान से जोड़ना, और ज्ञान योग के लिए जन्म ब्राह्मण के घर में लेना पड़ेगा, गुरु के आश्रम में जाके वेद पढ़ने पड़ेंगे। अब कहां से कब पढ़ेंगे, कब टाइम मिलेगा? एक जन्म का काम नहीं है ज्ञान। ज्ञान के लिए रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, सब लोग तो नहीं पढ़ सकते ना। तो इसलिए जो साधन कृष्ण भावना इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो टॉप मोस्ट योग है, योग का क्लाइमेक्स है, और वो एक्सप्रेस लिफ्ट की तरह है, आपको एकदम भगवान के साथ सीधा मिलाने का साधन है।
ये ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट स्पॉन्टेनियस एक टॉप मोस्ट गोल को अचीव करना, और ये कलयुग में भगवान की कृपा से आसानी से सबके लिए मुमकिन है, संभव है। तो मैं कह रहा हूं फिर भी भगवान ही कह रहे हैं इसके लिए, आप कहिए ये श्लोक बहुत अच्छा है, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम, अच्छा अब एक बात आप समझ लीजिए, गीता मनुष्य मात्र के लिए है, 84 लाख जोनियों में सिर्फ 4 लाख मानव की है, और 4 लाख मानव में भी सभ्य आर्य बहुत कम है। तो मनुष्याणाम, जो मनुष्य कहलाते हैं अपने आप को, मनु से शब्द निकला है मनुष्य, मनु, और मनु का शास्त्र है मनु स्मृति, और जो मनु स्मृति के नेम में रहता है वो मानव है, असल में जो वैदिक सिस्टम को समझता है वो मानव कहलाता है। और भगवद गीता में 3 अध्याय में एक और जगह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मैंने मानव मात्र के लिए एक राय रखी है। बोला मानव कहां का? बोला सर्वजानिक, सर्वभौमिक और सर्वकालीन, सब जगह सब समय और सबके लिए, इट्स फॉर ऑल पीपल ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस। तो भगवत गीता हम एक कंसेप्ट आपको देते हैं, भगवान ने एक संकेत किया, संकेत का मीन्स एक इशारा किया है कि मैंने गीता का शिक्षा पहले सूर्य देव को दी, उससे संकेत भगवान ये करना चाह रहे हैं कि जैसे एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, किसी मुल्क का अलग तो सूर्य सन नहीं है ना, एक ही सन है जो सारी दुनिया को जगाता है, जीवन देता है, प्रकाश देता है, ऐसे एक भगवत गीता का संदेश पूरे मानव मात्र को एनलाइटन करने के लिए, प्रबुद्ध करने के लिए मैंने दिया है। इसका इंप्लाइड सेंस ये, बाय गिव इट टू सन गॉड, एक सन सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है, तो एक गीता सारी दुनिया को, और श्रीला प्रभुपाद अंडरस्टूड दिस मैसेज एंड और उन्होंने पूरी दुनिया को भगवत गीता को दिया, उससे पहले पूरी दुनिया को भगवत गीता को देने का किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो गीता का रहस्य है, जैसे रहस्य का मीन्स जो सीक्रेट है गीता की, कि गीता पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करने के लिए, अरे भगवान तो सीना ठोके कहते अहम सर्वस्य चाहम हृदय, मैं सारों के सबके दिल में बैठा हूं, ये तो नहीं कह रहा है कि अमेरिका वालों के दिल में नहीं हूं या अफ्रीका वालों के दिल में नहीं, मैं सबके दिल में हूं और सभी मेरे बच्चे हैं। तो भगवान ने सबके लिए ये संदेश दिया है, और सब तक पहुंचाने का काम किसने किया है ये भी आपको सोचेंगे तो, और इस वक्त पूरी दुनिया में सब दुनिया की लैंग्वेज में भगवत गीता को प्रकाशित करके, प्रिंट करके और सब लोगों को देने का कार्य सिर्फ एक कृष्ण भगवान इस्कान कर रहा है। हर लैंग्वेज में गीता अवेलेबल है, चाइनीज लैंग्वेज में भी गीता अवेलेबल, और जो जिसको उन्होंने ही ट्रांसलेशन कराया है, उन्होंने देखा अच्छी तरह से कि ये तो इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम, मतलब मानव मात्र, सहस्रेशु, सहस्र कहते हैं संस्कृत में 1000 को, शत कहते हैं 100 को, शत का मतलब 100, सत कर्तु एक शब्द है, सत कर्तु, सत मतलब 100, कर्तु मतलब वैदिक यज्ञ, जो वेद की विधि से यज्ञ करता है उसको कर्तु कहते हैं। अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र के पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, हम में से कोई भी अगर सत कर्तु 100 यज्ञ कर सकता है तो वो इंद्र की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है।
अब जैसे बहुत से लोग हैं MBA किया है या CA किया है, सबको कोई सर्विस मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो अप्लाई करने का अधिकारी है। तो सत्कर्तु सौ यज्ञ करने वाला इंद्र बन सकता है। तो इससे आप इतना तो समझ गए हैं कि इंद्र किसी आदमी का नाम है, एक पोस्ट का नाम है, जिसमें आदमी बदलता रहता है, इंद्र बदलता रहता है, एक इंद्र नहीं है सदा के लिए। अब जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, और जो नेक्स्ट इंद्र आएगा उसका नाम है बलि महाराज, वो इंद्र बनेगा। इतना तो लिखा हुआ है, इससे पहले कौन इंद्र बना इस सबका वर्णन है। तो मनुष्य नाम सहस्र में सत, सत का मतलब सौ और सहस्र का नाम मतलब हजार, हजारों में से कोई एक मानव होगा जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहेगा। मनुष्याणाम सहस्रेशु यतन्ति सिद्धये, यतन्ति का मतलब क्या है, यतन करना, यतन करना का मतलब क्या है, केयरफुल, यतन की वैसे माना है टू बी केयरफुल, मतलब हजारों में कोई एक ही समझदार होगा जो सोचेगा कि मुझे परफेक्शन को पहुंचना है। सिद्धि का मतलब परफेक्शन, तो हजारों में से पहले एक कोई सिद्धि को पहुंचता, सिद्धि को पहुंचने वाले का माना क्या है, जो कम से कम इतना तो जानेगा कि ये शरीर सिर्फ नहीं हूं मैं, केवल ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। ये हजार में से कोई एक ऐसा मिलेगा आपको जो कम से कम आत्मा के बारे में सोचने वाला होगा। यतन्ति का मतलब केयरफुल होगा, कंसर्न होगा जिसका जीवन में, नहीं मुझे डेफिनेटली, एक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे कि आदमी कोई डूब रहा हो और उसको गोल्डन कोट पहना हुआ हो, वो प्योर गोल्ड का कोट पहना हुआ हो, अब आप आदमी को बचाओगे कि कोट को बचाओगे, कोट भी गोल्डन है और अंदर से कोई जाए और कोट को निकाल के आए कि देखो मैं निकाल के आ गया, तो भाई आदमी तो डूब गया, फिर कोट को क्या करोगे। तो ये दुनिया सारी कोट बचाने का, कोट बचाने में काम लगी है, वो बॉडी को बचा के पीछे लगी हुई है, जो सोल है उसको तो कोई नहीं देख रहा है। डूबने वाले के ऊपर मेरे को एक हंसने की बात याद आ रही है, बताऊं पागल खाने में एक स्विमिंग पूल बनाया कि पागल भी गर्मी में थोड़ा ठंडी में सूख ले। तो अचानक एक डूब, एक गिर गया पानी में, डूब रहा था, दूसरा कोई अंदर कूदा और उसको निकाला और बच गया। तो डॉक्टर जो था सुपरिटेंडेंट, उसने कहा ये तो पागल नहीं हो सकता, डूबते को बचाया तो पागल तो नहीं हो सकता है। दूसरे दिन उसको बुलाया और कहा कि आपको तो छुट्टी देते हैं, अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है, आप तो पागल नहीं हो सकते हो, डूब के बताया तो आपको तो छुट्टी देते हैं। बोला ये मेरे से पूछो तो सही, मैंने फिर क्या किया। बोला क्या किया, बोला वो इतना गीला हो गया मैंने पसे पंखे में टांग दिया, सूख रहा है वो पंखे में टांग दिया है, गले में रस्सी डाल दिया, सूख रहा है। बोला पागल महापागल उसको सुखा है, सुखा रहा हूं थोड़ा, ठीक बहुत गीला हो गया तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दुनिया में जो काम हो रहा है ना, कोई कहता है मैं बचा रहा हूं, बचा किसको रहा है, बोला गीले को फिर सुखा रहा है, एक जगह से निकाले दूसरे जगह टांग रहा है। ये चाहे इस सिस्टम में जाओ या उस सिस्टम में जाओ, अल्टीमेटली अब मैं कह दो, मुझे एक फोन अभी थोड़ी देर, गुरुजी मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है, क्या करना है, क्या सेवा है, कहीं नौकरी लगा सकते हो अभी अभी एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले नाम बताया किसी को, बोला मेरे को प्रेम ने आपका नंबर दिया, पता नहीं मेरा लोकल यहाँ का नंबर था, दुबई का, बोला नौकरी लगा सकते हो, मेरे को मेरे मैंने बोला मेरे को ही नहीं मिली अभी तक लो
लोग पता नहीं महात्माओं को क्या साधुओं को समझते हैं। एक हमारा मित्र था साधु, उसको डायबिटीज हुआ, डायबिटीज थी, वो सुबह शाम इंसुलिन लगाता था। तो लोग आते थे कहते महाराज हमारे को कुछ दुआ करो, आशीर्वाद दे दो तो दम ठीक हो जाए। तो मैं पास में उसके बैठा होता तो वो कहता था उनको ये डॉक्टर है इससे पूछ लो आपको दवाई बताएगा। तो मेरे को कहते थे ये महाराज ने आपके पास भेजा है। मैंने महाराज को आपने क्या कहा? बोला हमारे को बीमारी है शुगर की, आप आशीर्वाद दो। मैंने बोला महाराज खुद को शुगर की बीमारी है, वो सुबह शाम सुई लगा रहा है, ठीक होता तो खुद नहीं होता, तुम्हारे को कहां से करेगा? अरे भाई अस्पताल जाओ, जाके इलाज कराओ, इसके लिए थोड़ी साधु संत बैठे। लोग ये आंखों देखा, मैं हाल बता रहा हूं जो लोगों का है। जाते हैं साधु संत के पास, ये महात्मा मिल गया हमको, लेकिन पूछते क्या है? सोने का कोट बचाने का चक्कर करे, आत्मा के बारे में कोई पूछने वाला है ही नहीं, दुनिया की बातें मांगते हैं। तो हजारों में से कोई मुश्किल से एक होगा। मैंने पूछा उस महात्मा से, महाराज इतने सारे आपके शिष्य सेवक हैं, बोला कभी किसी ने ये पूछा है कि आत्मा क्या है और भगवान से कैसे रिश्ता हो? बोला महाराज अभी तक तो कोई नहीं आया, ये तो सब यही बातें करने वाले आते हैं। तो हजारों में से कोई मुश्किल से एक होता है जो कम से कम अपने बारे में जानना चाहता है, ब्रह्म विद्या के बारे में जानना चाहता है, आत्मा के बारे में जानना चाहता है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए केयरफुल है। एक होता है लेयरली कोई काम करना है संडे का, चलो एक तो हमको मिला का, अरे महाराज आप कृष्ण भक्त अकेले थोड़ी हो, हम भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा है, नमस्कार है आपको, मैंने कभी देखा नहीं मंदिर में। बोला जन्माष्टमी को आता हूं, देखा नहीं आपने? तो 12 महीने में एक बार दिया, एक दिन आता है। तो ये केवल है, मन करता है तब आते हैं, लेकिन केयरफुल नहीं है। केयरफुल का मतलब है कि प्रायोरिटी जीवन में जिसने दी हो, बहुत यत्नशील हो। सो हजारों में से कोई एक यत्नशील होता है, केयरफुल होता है, जो कम से कम आत्मा के बारे में जानना चाहता है। और ऐसे हजार जिन्होंने आत्मा के बारे में जाना है, दूसरी लाइन क्या कह रही है? यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे केयरफुल जो हजार हैं उनमें से जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, आत्मा को जान चुके हैं, अब मैं ब्रह्म ये भी जान चुके हैं, जो ये भी जान चुके हैं कि मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं, ये जो जान चुके हैं, कश्चन, कश्चन मतलब बाय दिवे कोई एक, माम वेति तत्वतः। अब देखो जब कृष्ण ने ये शब्द कहे होंगे तो कैसे कहा होगा? अर्जुन की ओर देख के कहा माम मुझको, वेति जानता है, तत्वतः, तत्वतः मीन्स इन इसेंस, इन ट्रुथ। तो हजारों में हरे कृष्णा 15-20 मिनट बैठी, अभी आए हैं तो जाना है, ओके प्रसाद रेडी है कुछ? हाँ। पैक दे दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाबा मिस कंदम लाडो, मिस कंदम लाडो, क्या हुआ? मैं मिस कंदम लाडो मिस करूंगी मैं बहुत। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे, लो बेटा चल मिलेंगे ना पापा, हाँ वो दे रहे, मैं बोल दिया। हरे कृष्ण, ठीक है बेटा, हरे कृष्णा, ओके सी यू, हरे कृष्णा, ओके प्रतीक, थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, हरि बोल, थैंक यू। देखिए क्या होता है, स्कूल से किस वक्त आती है, इसको लेके आ जाना,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो अब क्या श्लोक के लास्ट वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेशु यतंती सिद्धये। इसकी माना कोई समझ गया? सब समझ गए कि नहीं समझ गए? मानव मात्र में कोई हजारों में एक होता है जो केयरफुल होता है अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। ये किसका है? बच्ची का है क्या जो आई थी? मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये का मतलब क्या हुआ? हजारों में कोई एक इंसान होता है जो अपने आप को जानने के लिए यतनशील होता है। यतनशील का एक केयरफुल है, दूसरी मीनिंग है यतन का उसमें एंडेवरिंग, एंडेवर करता है। एंडेवर करता है का मतलब प्रैक्टिकली कॉन्शियसली करने का प्रयास करता है। और ऐसे हजार जो प्रयास करके परफेक्ट हो चुके हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि मतलब जो एंडेवर करके सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। कश्चन माम वेति तत्वतः, कश्चन माम मतलब हार्डली वन नोज मी, वेति मतलब नो, वेति वेद एक ही बात है, वेद वेति मतलब नो जानता है, मी मतलब मुझको, तत्वतः, तत्वता का मतलब क्या है? इन सेंस तत्व से मुझे जानता है। तत्व से जानने का मतलब तत्व क्या है? अगर आप अगर मेरे से पूछें कि तत्व क्या है, तो भागवत में तत्व की माना लिखी है विदंति तत्वविद, वदंति तत्वविद, जो तत्व को जानने वाले हैं वो कहते हैं तत्व एक है, अद्वैयम, तत्व एक है, परंतु बट उसको जानने वाले तीन नाम से जानते हैं। तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तत्व एक है लेकिन कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं और कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं। लेकिन यहां कृष्ण कहते हैं मुझको जानता है, इसका मतलब भगवान को जानता है, क्योंकि भगवत गीता में जहां कृष्ण बोलते हैं वहां लिखा है श्री भगवान वाच। तो तत्व एक है, अद्वैय मीन दो नहीं है, एक है। कुछ ब्रह्म जानते हैं, वो कौन है? ज्ञानी। जो ज्ञान के मार्ग में चलेंगे उनका अल्टीमेट गोल है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? लाइट। ब्रह्म मीन्स इफल्जेंस, जिसको कहा जाए कि एक ज्योति है। ब्रह्म क्या है? ज्योति। ब्रह्म नूर है, नूर ज्योति इफल्जेंस, उसको कहते हैं ब्रह्म। और ज्ञानी का यह गोल होता है कि मैं उस ब्रह्म को जानूंगा और उसमें मिलके एक हो जाऊंगा, यह ज्ञानी का गोल है। और जो योगी है वो कहता है वो ब्रह्म लाइट नहीं, जो मेरी दिल में भगवान बैठा है उसको मैं ढूंढूंगा। उसका गोल क्या है? परमात्मा। परमात्मा कहां है? सबके दिल में। परमात्मा चतुर्भुज रूप में, चार हैंड वाला, शंख चक्र गदम पदम और गदा लिया हुआ, जो दिल में है उसको कहते हैं परमात्मा। तो योगी ऐसे ध्यान में बैठकर अपने हृदय में परमात्मा को देखना चाहता है, ये योगी का गोल है। और जो भक्त होता है वो भगवान जो राम है अवतार लेके आया है, जिसको जानता है, भगवान श्री कृष्ण है या नरसिंह देव है, उसको ऐसे जिसका भी भक्त है उसको
भजता है, भजता है का मतलब उसका भजन करता है, उसकी सेवा करता है, उसका नाम लेता है। अच्छा, ब्रह्म आपके साथ कोई रिलेशन नहीं कर सकता। आप चाहो कि ब्रह्म आपसे आपके साथ कोई संबंध रखे तो ब्रह्म आपके साथ संबंध नहीं करेगा। ब्रह्म निर्विकार है, निर्लेप है, निर्विशेष है। ये सब ब्रह्म की लैंग्वेज है, निर्विशेष, निराकार। उसके साथ आप मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। अच्छा, लाइट 24 घंटा आपके कमरे में है तो क्या आप खुश हो जाओगे क्या? हाँ, बंद करोगे तब नींद आएगी, नहीं तो पागल हो जाओगे। नहीं, एक और एग्जाम्पल कभी देते हैं कि इन तीनों को समझना कैसे है। पहली बार जब ट्रेन आई थी ना, तो गांव वाले लोग दूर से देख रहे थे, बड़ा इतना रोशनी का गोला आ रहा था। अरे ट्रेन क्या होता है? बोला रोशनी होती है, दूर से दिखता है इतना बड़ा गोला है। उसने सोचा ट्रेन रोशनी ही है। दूसरे ने कहा रोशनी तो है, लेकिन जब आगे रोशनी गुजर गई तो पीछे सब डब्बों में रोशनी पड़ी थी, तो सिर्फ रोशनी ट्रेन नहीं है, उसके पीछे डब्बे भी हैं। आगे इंजन में रोशनी है लेकिन पीछे डब्बे भी हैं। तो ये दूसरा हो गया थोड़ा उससे ज्यादा समझदार के, सिर्फ रोशनी नहीं है, ट्रेन में डब्बे भी होते हैं। तो पहला ज्ञानी हुआ जिसने कहा लाइट है, दूसरे ने कहा नहीं परमात्मा सब डब्बे में है, और तीसरे ने कहा ये तो सब ठीक है, ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन में डब्बे भी है, लेकिन ट्रेन में कोई चलाने वाला है तब चलती है। वो सब डब्बे तो है लेकिन कोई चलाने वाला भी है, अपने आप नहीं चलती। तो उसने जाके देखा कि ट्रेन का सारा सिस्टम क्या है, और दूसरा इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, सनलाइट, सन ग्लोब एंड सन गार्ड। तो सनलाइट को देख के भी हम कह सकते हैं कि दिन है, सन ग्लोब को देखकर भी कह सकते हैं कि सूर्य उगा है। ये दो काम फिर भी आसान है, आप भी कर सकते हो, बच्चा भी कह सकता है कि दिन है क्योंकि लाइट निकली है। आप चाहो तो देखना चाहो तो सूर्य को देख सकते हो, लेकिन यह मानना कितना मुश्किल है कि इस सन प्लैनेट में इसका एक महादेवता है, उसका नाम है सूर्य नारायण, और उसको कहते हैं आदित्य, और उसका नाम है विवस्वान। ये सब उसके नाम है, उसको एक रथ है, उसको घोड़े हैं, उसका सारथी है, उसका भी नाम है अरुण। वो उसकी दो पत्नियां हैं छाया और संज्ञा, उसका बेटा है शनिदेव। अब शनिदेव से तो सब डरते हैं कि नहीं डरते हैं? वो सूर्य का बेटा है और सूर्य की पुत्री है यमुना। ये कोई मानेगा क्या कि इस आग के गोले के अंदर कोई आदमी रहता है? कोई मानेगा क्या? ये मानना बहुत मुश्किल है। भगवान को ब्रह्म करके मानना इतना मुश्किल नहीं है, भगवान को परमात्मा करके समझना भी आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करने से समझ सकते हो। लेकिन भगवान को भगवान करके मानना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा चतुर्मुख, ब्रह्मा चार मुख वाला, दुनिया को बनाने वाला, चार वेद पढ़ने वाला भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते हुए जब ग्वाल बालों के बीच में भोजन कर रहे थे और एक ग्वाल बाल के हाथ से छीन के खा रहे थे, और हाथ के अंदर चावल चावल और दही रखा हुआ था, उंगलियों में अचार खोसा हुआ था, ब्रह्मा जी कहता है ये वो भगवान है जिसकी हम यज्ञ में पूजा करते हैं पवित्रता से, तब तो आता नहीं है, और अब ये ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहा है, क्या ये भगवान है क्या? अब ब्रह्मा का माथा घूम गया। वो इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो परेशान हो गया कि ये हमारा तो पूजा ही बंद करा दिया इसने, छोटे से 5 साल का बच्चा हमारी पूजा, 7 साल उम्र नहीं है, बड़े लोगों को कह दिया कि पूजा इंद्र की मत करो। क्या करेगा इंद्र? प्रसाद करनी है तो उसको करेगा, वो तो उसका काम है अपना, वो काम करेगा।
हमारे को तो पूजा गोवर्धन की करनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारी गैया चरती है, जहां हमारे को घास मिलता है, जहां हमको सुख मिलता है, और ब्राह्मणों की करनी चाहिए जो हमारी पूजा कराते हैं। क्या जरूरत है इंद्र की पूजा बंद होगी और इंद्र गुस्सा हो गया कि ये भगवान है, इस 7 साल का बच्चा, और इसके कहने के ऊपर इन बड़े बड़ों ने काम बंद कर दिया है। देखो मैं इनको दिखाता हूं, और आकाश में बादल आया और ब्रज को डुबाने के लिए समन तक बादल में भेजी और बहुत बड़ी मौसलाधार बरसात हो रही, और 49 मरुतों को भेजा, हवा की सारी तूफान को भेजा, जाओ ब्रज को डुबा दो। और ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा कि आपने उसकी पूजा बंद कराई, वो देखो क्या हो रहा है। भगवान का चिंता मत करो, जिसकी पूजा की है वो रक्षा की करेंगे। ये गोवर्धन में उठा लेता हूं, आप इसके नीचे आओ, ये छाता बन गया, आप इसके नीचे आ जाओ। और इंद्र 7 दिन बरसात किया और एक ड्रॉप पानी का धरती के ऊपर नहीं गिरा, कहां गया? और चक्कर सुदर्शन को ऊपर छोड़ दिया था, सब पानी ऊपर सुखा दिया। बादल थक गए, हार गए, हवा थक गई, सब ने जाके कहा कुछ नहीं हो सकता है, क्या करें इंद्र जी? बोला कुछ भी नहीं हुआ। बोला नहीं, वो देखो छाता उठा के खड़ा है। अरे ये तो छोटा बच्चा, इतना बड़ा। इंद्र को लज्जा आई, कहा मैं उसके सामने जाने में तो हिम्मत नहीं है। सुरभि गाय को कहा आप चल के उसको मनाओ, क्योंकि ये गोपाल है, गायों से कुछ होता है। सुरभि गाय ने आके श्री कृष्ण का अभिषेक किया, तब फिर इंद्र ने आके पूजा करके कहा क्षमा हो गई, हमको माफ करना। अब इतने बड़े देवता भी नहीं समझ सकते हैं जिसको। ये गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है कि बड़े बड़े देवता मुझे समझने में और मुझे देखने के लिए कांक्षित रहते हैं, देवापि कांक्षति। यह है 44 वर्ष है ये, जब वर्ष हम बोलते हैं तो इसके ऊपर ये कथा है, बहुत देवताओं की करते हैं। ये श्लोक ये है, ना हम वेदन तपसन दानें च ज्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। सुदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिता। अर्जुन दुर्दर्शम इदम रूपम, इस श्री कृष्ण के रूप को देखना बहुत मुश्किल है। दृष्टवासी यन्मम, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो। देवापि अस्य रूपस्य, बड़े बड़े देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्यम दर्शन कांक्षिता। वो ब्रज में जब जाते हैं तो आप नंदगांव जाएंगे, तो नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तो शंकर जी देखने के लिए आए, बारी बड़ी जटाएं शंकर जी की, और जटाओं के अंदर तो मकड़ी लगी हुई है और गले में सांप है, और डमरू बजा के मैया के दरवाजे पे के आके खड़े हो गए। डम 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 डम, अरे बाबा क्या चाहिए, बाबा क्या चाहिए, भिक्षा ले लो। बोला भिक्षा नहीं, आपके बेटे का दर्शन करना है। यशोदा मैया ने कहे मेरे बेटे का दर्शन आपको कराऊंगे, बेटा मेरा डर जाएगा, ऐसा आपका भयानक रूप है। शंकर बाबा थोड़े एक किलोमीटर नंदगांव से दूर है आशुतोष वन, वहां जाके बैठ गए समाधि में शंकर जी। कृष्ण बैठे घर में, रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लग गए। अब सब इकट्ठे हो गए, बच्चा क्यों रो रहा है, कृष्ण को चुप कराओ। बड़े बड़े गोपियां आ गई, नव यशोदा मैया से पूछने, भाई कौन कौन घर में आया, कहीं नजर लगी है क्या बच्चे को? उपनंद आया, नंद आया, वो उनकी पत्नियां आई, तो किसी ने कहा एक बाबा आया था। अरे तो ऐसे नजर तो नहीं लग गई उसकी, जाओ बाबा को बुला के आओ। तो यशोदा मैया ने कहा जाओ, तो सबने ढूंढने लगे, गोपियां ढूंढती ढूंढती आशुतोष वन में गई, चल रे बाबा नंद भवन में, यशोदा मैया था को बुलाए, चलो आपको। बोला काम क्या है? बोला बाबा के लाला को नजर लगी है तो पे राई लून कराए, उसके बेटे को नजर लगी है तुम्हारे से, वो जो राई और नमक है उसके ऊपर से घोलना पड़ेगा, आप चलो। शंकर जी आए हैं, यशोदा मैया, वो जैसे शंकर अंदर आए कृष्ण रोना बंद कर दे, अच्छा बाबा जाओ, तो फिर रोना शुरू कर दे। ये तो बड़ा आदमी, घर में सब परेशान हो गए। तो शंकर जी ने को पूछा कि ये आखिर रोना बंद कैसे करेगा? शंकर ने कहा कि जब
जब इसका चरण मेरे सर के ऊपर लगाओगे तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तब ये रोना बंद कर देगा। ये छोटा भैया ने कहा नहीं, इसका सीधा पांव ले आएंगे, यहां तो सांप बैठा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चे को नहीं लगाना। और सब गोपियां कहते नहीं नहीं लगाओ, वरना तो बच्चा रोता रहेगा। बोलो नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। और तो पकड़ दिए बच्चे को। फिर भी किसी गोपी ने पकड़ के थोड़ा पांव को ऊपर किया तो रोना बंद कर दिया। अब यशोदा मैया कहती अरे रे रे बाबा, नंद भवन में नहीं जा, कहीं इधर रह जा। जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दो, जब मेरा बच्चा रोएगा तब आके दर्शन दे देना। अभी शंकर जी ने कहा भाई मैं ऐसे कोई झुनझुना हूं क्या कि तेरे बच्चा जब रोए तभी तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आ जाऊं। भाई ऐसे तो मेरे को भी कैलाश जाना है, मेरे भी बहुत भक्त है, सारा दिन खड़े होते हैं वहां, हाँ मेरे पास ही मांगने आते हैं। और शंकर तो पार्वती हंसने लगी, मांगने तो आते हैं आपके पास। आके शंकर जी कहते हैं बाबा कृपा करके हमारे को कोई विला दिला दो। शंकर जी हंसने लगता है अरे इस बात को बोला, इसको बोला कि हमने अपना घर बनाया नहीं है, इसके बाप का कैसे बनाया। शंकर जी ने आज तक नहीं बनाया, मालूम है आपको। शंकर जी का एक नाम है अनिकेत, अनिकेत मतलब नहीं, निकेत मतलब घर। एक बार पार्वती ने बहुत जिद किया कि भाई शादी किए तो घर तो बनाना ही चाहिए ना। बोला क्यों, क्या करेंगे घर को। बोला वर्षा आएगी तो। बोला बादल से ऊपर चलेंगे, बादल नीचे बरसेगा ऊपर थोड़ी बरसेगा, हम ऊपर चलते हैं। फिर भी पार्वती ने बहुत जिद किया तो ठीक है आप घर मालिक हो, बना लो घर, आपके पास कौन सी कमी। बहुत बड़ा महल बन गया। बोला अब गृह प्रवेश करना है। बोला बुलाओ ऋषियों को। अब गौतम अत्रि ऋषि सब आए, स्वाहा स्वाहा, ये बैठे हैं दोनों पार्वती और शंकर जी पूरे हो गए। बोला महाराज यज्ञ पूरा हो, दक्षिणा दो, घर में प्रवेश करो। शंकर जी दक्षिणा है तो कुछ भी नहीं है, तो कुर्ता नहीं है, तो सांप है, जाइए तो ले लो, यहां तो कुछ भी नहीं है। बोला महाराज बिना दक्षिणा के तो घर में प्रवेश नहीं होगा। कोई बात नहीं, ए दक्षिणा में घर आपको दिया, जाओ रहो रहो, हम फिर चलते हैं कैलाश में। बाबा ने तो बनाया ही नहीं घर, अब उसी को जाके प्रार्थना करें कि हमारे को घर बना के, तो वो हंसता है क्या करें। और हनुमान के दरवाजे पे कोई खड़ा होके कहे हे बाबा हमारी शादी करा दो, अरे अरे मैं कब से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूं, तुम्हें यहीं आया कोई, हमें तुम्हें पतली दे। हनुमान तो गुस्से में कहता है तुम्हारी भाग कोई ले गया हो तो बोलो, ढूंढ के आऊं। मैं कहां से तुमको दिलाऊंगा। तो लोग किसके पास क्या मांगना चाहिए ये तो आना चाहिए ना। अब हनुमान के पास ये मांगना चाहिए क्या, जाके ब्रह्मचारी के पास ऐसी बातें करनी है क्या। बात समझ में नहीं आती है कुछ भी, लोग भगवान को क्या समझ के रखा है। सो भोलेनाथ कहने लगे कि मैया मैं रहूंगा एक शर्त पे, कि आपके इस छोटे कन्हैया को स्नान तो रोज कराती हो ना, उसका चरणामृत मेरे ऊपर डाल देना, और इसको जब मक्खन मिश्री खिलाओ तो पहले प्रसाद मेरे को देना फिर किसी और को देना, तो मैं यहाँ रहूंगा। आज भी नंदगांव में जाएंगे ना तो ऊपर कृष्ण बलराम यशोदा और नंद बाबा का मंदिर में विग्रह है, और नीचे नंदीश्वर महादेव है। आज भी पहले अभिषेक का जल जाके शंकर जी पे चढ़ता है, प्रसाद अंदर से निकलता है, पहले भोलेनाथ को मिलता है, फिर प्रसाद सबको बंटता है। तो इतने बड़े देवता जिस भगवान को जानना चाहते हैं, यहां तक के भगवान विष्णु द्वारका में एक ब्राह्मण के घर में बच्चा जन्म लेते ही मर जाए। एक लड़का मर गया, दो मर गए, तीसरा मर गया। अर्जुन वहां गया हुआ था, अर्जुन को पता लगा, अर्जुन ने कहा मैं आपको पांडु नंदन वचन देता हूं अगला बच्चा आपका नहीं मरेगा। और अर्जुन ने इतने बाहन बनाए कोई अंदर आ ही नहीं सकता, तो ले कहां से जाएगा। सूत की ग्रह को उसने चारों ओर से सील कर दिया, लेकिन बच्चा जन्म लिया और इस बार बच्चे का शव ही नहीं मिला, वो उसका डेड बॉडी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा बड़ा बना था पांडु पुत्र, पहले कम से कम मरे बच्चे का हमारे को शरीर तो मिलता, इस बार शरीर ही गुम। अर्जुन को कहा कि तुम बड़ा बने थे। अर्जुन को कृष्ण देख के मुस्कान बोला, मुस्कुराने लगे, बोला पार्थ, बोला बहुत बड़ी संकट में पड़ गया, वचन मेरा पूरा नहीं हुआ। बोला चलो चलते हैं। दोनों चले गए विष्णु लोक में।
विष्णु लोक में गए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होके कहा, ब्राह्मण के बच्चे सब क्यों ला रहे थे? बोला, आपका दर्शन करने की इच्छा थी और कोई बहाना तो नहीं था। तो मैंने कहा, आपका ये भक्त अर्जुन वचन करेगा वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो आप उसके वचन को तो पूरा करोगे ही करोगे, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और आज इस बहाने आपका यहाँ मुझे दर्शन करना था, इसलिए मैंने ये मौका ढूंढा था। तो यहां तक के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, देखो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, हर ब्रह्मांड में एक शिव है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्म, और सब में एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कोई एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, एक ब्रह्मांड का है। जैसे जितनी कंट्रीज हैं अभी दुनिया में, सबका प्रेसिडेंट अपना है ना, तो ऐसे सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन सब एक गुण अवतार है, इन सबसे ऊपर आदि पुरुष है। और भगवत गीता में ये बात स्पष्ट, मेरे को जानना मुश्किल है, वो तो लाखों में कोई एक मुझे मुश्किल है, सौ में किसी को सूझता ही नहीं है कि भगवान कौन सा है, हजार में कोई जानने वाला होता नहीं है, लख में कोई लभता ही नहीं है, करोड़ों में कोई मुश्किल से एक होता है जो भगवान को जानता है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान के भक्तों के संग की जरूरत है, और भगवान के भक्तों के संग की माना है, अर्थ है, मतलब है शास्त्र को सुनना। इसलिए इस सातवें अध्याय का पहला श्लोक ही ये है। सातवें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? मई आसक्त मना पारथ योगम युञ्जम मदाश्रय असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्शणो। सुनो अर्जुन सुनो। और प्रभुपाद का सारा तात्पर्य है कि सुनने से, शास्त्र सुनने से कैसे एक इंसान भगवान को जानने का अधिकारी बनता है। और प्रभुपाद जी अमेरिका में जब उतरे थे तब वही श्लोक भागवत के लिखे थे, मार्किणी भागवत धर्म। मार्किणी मीन्स माने अमेरिका में, बंगाली में कहते हैं मार्किणी माने अमेरिका, भागवत धर्म। और उस वक्त बंगाली में पोएट्री के साथ संस्कृत के ये श्लोक एज इट इज दिए, श्रुणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांत स्थानीय भद्राणी दुनोति स्वर्दसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर भवती नैष्टकी तथा रजस्तम। ही करके पूरे श्लोक प्रभुपाद ने एज इट इज, और वो इसी सातवें अध्याय के पहले श्लोक में पटपट में लिखी है। तो प्रोसेस क्या है भगवान को जानने का? सुनना, श्रवण करना। क्या श्रवण करना? स्वकथा कृष्ण, जो भगवान ने कही है अपने मुख से भगवत गीता, इसको सुनना चाहिए। और भक्तों के संग में सुनने से हमारे हृदय में रजोगुण और तमोगुण कम होने लगेगा, हम सतोगुण के स्तर पे आएंगे, लोअर मोड से। एक डॉक्टर श्री गोविंद करके अमेरिका में, अमेरिकन था, उसने पीएचडी की थी, रिसर्च की थी कि हरे कृष्ण मंत्र जपने से जो लोग नीचे के रजोगुण में तमोगुण में है वो आगे बढ़ के रजोगुण में आता है, जो रजो में है वो सतो में है, जो सतो में है ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। उसने एक रिसर्च की थी पीएचडी के लिए। उसने क्या किया, 20-25 लोगों को एक आधा घंटा बिठा के कहता था आप कोको कोला करते रहो, और 20-25 बच्चों को माला देता था, कहता आप हरे कृष्ण जपो। उनने उन सब की हैबिट को लिखा था, और महीने दो महीने छह महीने के बाद उसकी रिसर्च में दोनों की हैबिट को देखा कि कौन से मोड में था, ये लोअर मोड में से जो थे जो हरे कृष्ण जपने वाले उनका मोड में परिवर्तन हुआ, वो आगे बढ़े, और जो नॉर्मली कोई राजा राजा कर रहे थे कोको कोला उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और स्टेटिकली प्रूफ किया कि चैंटिंग ऑफ होली नेम ट्रांसफॉर्म द पर्सन फ्रॉम लोअर मोड टू द हायर मोड। तो दुनिया में लोग रजो और तमोगुण में हैं प्राय, और रजो और तमोगुण से हमें सतोगुण से कम आना चाहिए। सतोगुण जो है सतो संजायते ज्ञानम, सतोगुण में हमको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो भगवत गीता को जानना है तो सुनना होगा, भगवान को जानना है तो सुनना होगा, और सुनना होगा भक्तों से, और सुनना होगा भगवान की कथा। तो ये सुनना हमारे हृदय को पवित्र करेगा, और तब हम भगवान को जानेंगे। भगवान हमारे अंदर है, कोई भगवान भक्त से नहीं मिलेगा, भगवान हमारे अंदर है, लेकिन उसको जानने के लिए शास्त्र को रेगुलरली सुनना। श्रुणवताम श्रद्धया नित्यम,
श्रद्धा से रोज सुनना चाहिए। और सिर्फ शास्त्र नहीं, ये जो मंत्र जपते हैं इसको भी ध्यान से सुनना चाहिए रोज का। शास्त्र सुनाने के लिए तो आपको कोई भक्त चाहिए तब सुनेंगे ना, लेकिन आप अपने घर में भगवान का नाम तो खुद सुन सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बोलते हैं शब्द जो है, शब्द हरे कृष्णा शब्द है, और सुरत से मिलाने, सुरत है कॉन्शियसनेस, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शब्द और सुरत का मिलाना। तो कॉन्शियसनेस शुड बी फोकस ऑन दी होली नेम, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। प्रभुपाद का दिस इज सबलाइम मेथड, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, पता नहीं लगेगा। सब्लिमेशन केमिस्ट्री में किसको कहते हैं, दो चीजों को मिलाओ तीसरी बन जाए पता भी नहीं लगे, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये सबलाइम प्रोसेस है, आपको पता नहीं लगेगा और आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप बदल जाओगे, आप महात्मा हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली पूरी दुनिया के अंदर प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उन हिप्पियों के ऊपर ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र से वो साधु बन गए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक पीसफुल और कंटेनमेंट जीवन में आना, उसके लिए श्रवण करना चाहिए भगवान का नाम और भगवान की कथा। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यह विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतां सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन आर कमेंट, कोई चीज जो नहीं समझी है पूछना चाहते हो, या साधु कौन और योगी कौन? हाँ, साधु कौन और योगी कौन? साधु कौन है, योगी कौन है? साधु जो साधना करता है, जो साधना करता है वो साधु, योगी और जो भगवान का ध्यान करता है वो योगी। तो साधना किसकी, वो भी तो भगवान की ही साधना करता है। अगर भगवान की साधना करता है तो साधु भी है और योगी भी है, और साधना करता है किसी भूत प्रेत को जगाने की तो फिर वो योगी नहीं है। ऐसे बहुत से साधना करते हैं, करते साधना है जाके, शमशान में साधना करते हैं जाके, हैं बहुत से लोग ऐसे। एक आदमी था, उसने कहा तेरी माँ रात शमशान में बैठी थी। बोला किसने देखा? बोला मेरी माँ ने। बोला कौन सी माँ? तेरी माँ कौन सी अच्छी थी जो गई थी? ये एक पर्यायवाची शब्द है। साधु असल में कहते हैं जो साधन युक्त है, और साधु कुछ श्लोक, एग्जैक्टली श्लोक पढ़ना चाहिए जिसमें वर्ड साधु है। साधु भूषण, ये महाराज कपिल देव की शिक्षाओं में साधु है, उसके साधु के लक्षण है, जो शांत है, तितिक्ष है, कारुणिक है, साधु लक्षण, साधु भूषण लिखा है। साधु वो है जिसके ये लक्षण है, कारुणिका तितिक्षा, और चार चार पांच लक्षण है साधु भूषणम, लास्ट में साधु भूषणम। अजात शत्रु शायद इसमें नहीं है मेरे ख्याल में, साधु साधु भूषण, इसको साधु कहते हैं। योगी कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान जो भजते माम समय युक्तत्मो मता। सबसे महान योगी है जो मेरा ध्यान करता है हृदय में भक्ति से। तो ये सब भगवत गीता में साधु शब्द भी कहीं मिलेगा, देखने संत शब्द है। सोहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषणम, ये साधु की परिभाषा है भागवत में। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का संग करो, साधु का कर्म करो। साधु कौन सा?
जिसमें ये लक्षण हो, कारुणिका अतिथिक स्वाहा सौहृदय सर्वभूतानाम, जो भी इसमें लक्षण है, ये कपिल देव कहते वो साधु है जो किसी को शत्रु नहीं मानता है, सबके ऊपर दया करता है, सबको भगवान के बारे में बताना चाहता है, उसका संग करो संग करो संग करो, सब शास्त्र कहते हैं। साधुरेव समन्तव्य सम्यक वस्तु ही ओ, ये तो वहां है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शत्रुचान्तिम निगच्छति कौन्ते प्रजना में भक्त प्रणश, वहां शब्द साधु है। अपि चेत सुराचारो भजते मामन निभाग साधु एव सम्मत मंतव्य सम्यक विवस्तो ही स, ये साधु तो ऐसे के व्यक्ति के लिए कहा है, इसका कमेंट्री बड़ी अच्छी है असल में। हरे कृष्ण, आप साधु बन जाओ, साधना करो साधु बन जाओ, योग करने के लिए दूर जाना पड़ेगा साधु यहीं बैठ के। और कंपेरियन अमंग दी फोर, नॉट इज नॉट कंपेरियन बिटवीन दी डिवोटी एंड दी ज्ञानी, ये चारों में से बेहतर कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इन चारों में से बेहतर कौन है? ज्ञानी। लेकिन भक्तों की जब बात आती है तो भगवान कहते हैं उद्धव इतना मुझे प्रिय न लक्ष्मी है, न बलराम जी है, न मैं अपने आप को इतना प्रिय करता हूं जितना मुझे प्रिय भक्त है। तो वहां भक्त अलग कैटेगरी है, ये इन चार में ज्ञानी श्रेष्ठ है, चार में ज्ञानी श्रेष्ठ है, दैट इज राइट। कॉन्टेक्ट दूसरा है, ये उसमें है। भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान और वैराग भक्ति के 64 अंगों में नहीं आते, ये भक्ति के अंगों में नहीं है। पहले प्रमलली जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए क्योंकि ज्ञान हृदय को बहुत शुष्क करता है, ड्राई करता है, और भक्ति में चाहिए स्नेह और प्रेम। इसलिए जो अति ज्ञानी है वो भक्ति नहीं कर सकता है, और अति कर्मी है वो भी नहीं कर सकता है। कर्मी भोग में लगेगा तो भक्ति नहीं करेगा, ज्ञानी हार्ड हार्टेड हो जाएगा इसलिए भक्ति नहीं कर सकता है। जो न ज्यादा ज्ञानी है न ज्यादा कर्मी है, जो बीच वाला है वो भक्ति कर सकता है। भक्ति का अधिकारी कौन है? वहां लिखा है ये न अति, दोनों है ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। एक ज्ञान है जो हमारे को जरूरी है भगवान के बारे में, कैसा भगवान, कैसे देखने में लगता है भगवान, के कौन से गुण हैं, ये ज्ञान जरूरी है। लेकिन एक बहुत दूसरा ड्राई स्पेक्चुलेशन वाला ज्ञान है, वो नहीं चाहिए, वो हृदय को बहुत कठोर कर देता है। एक गांव था, उसमें कुछ ज्ञानी आके बैठे और कुछ भक्त थे जो रोज हलवा बनाते थे, पूरियां बनाते थे, माल लाते थे और खाते थे, और ज्ञानी ऐसे बैठे थे कुछ सूखी रोटी खा लेते थे। गांव में लगी आग, तो ज्ञानियों ने कहा जलने दो इनके कर्मों का, भागो, हमें क्या करना है। और जो हलवा खाते थे वो पानी लेके गांव का सारे गांव को बुझाने लगे। गांव वाले ने कहा देखो वो ज्ञानी वो तो जब आग लगी बोला सबको जलने दो, हमें क्या करना है। लेकिन ये हलवा तो खा रहे थे लेकिन सेवा तो कर रहे थे, बाद में सारों को बचाने के लिए आ गए। तो उनके हृदय में दया होती है, भक्त के हृदय कोमल होता है, भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए, वेरी सॉफ्ट हार्ट चाहिए। ज्ञानी की हार्ट सॉफ्ट नहीं होता है, वो बहुत कठोर, उसका हृदय बहुत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, शुष्क हो जाता है, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। नॉलेज आदमी को अहंकार भी कराता है, अहंकार बड़ा होता है ज्ञान के, ज्ञानी को अहंकार आ जाता है। और भागवत में तो लिखा है ज्ञान त्यजेत, ज्ञान को त्यागना पड़ेगा तब भगवान का प्रेम प्रकट होगा,
ये 11वें स्कंद में ज्ञान को भी त्यागना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किल की बात है, हरे कृष्णा आसान बात है, हरे कृष्णा जपो, प्रसाद खाओ, कल सुबह काम पे जाओ, लेकिन हरे कृष्णा जप के फिर प्रभु की।